होली के पावन पर्व पर शनिवार की सुबह घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह की होलिकोत्सव शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विधानसभा चुनाव में भाजपा को हासिल प्रचंड जीत का विजय जुलूस सा नजारा दिखेगा। 1996 से लेकर 2019 तक इस शोभा यात्रा में लगातार सम्मिलित रहे गोरक्षपीठाधीश्वर गत दो वर्ष 2020 व 2021 जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शामिल नहीं हुए थे। अब जबकि मोदी योगी सरकार के समन्वित प्रयास से इस वैश्विक महामारी पर काबू पा लिया गया है, सीएम गोरखपुर वासियों के साथ जमकर होली मनाएंगे। शोभा यात्रा सुबह 8:30 बजे से निकलेगी। इसके पूर्व योगी गोरक्षपीठ में होलिका के भस्म का तिलक लगाकर होली मनाने की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से होली के दिन घंटाघर से निकलने वाले भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा की शुरुआत अपने गोरखपुर प्रवास काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख ने 1944 में की थी। गोरखनाथ मंदिर में होलिका दहन की राख से होली मनाने की परंपरा इसके काफी पहले से जारी थी। नानाजी का यह अभियान होली के अवसर पर फुहरता दूर करने के लिए था। नानाजी के अनुरोध पर इस शोभा यात्रा का गोरक्षपीठ से भी गहरा नाता जुड़ गया। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के निर्देश पर महंत वैद्यनाथ शोभा यात्रा में पीठ का प्रतिनिधित्व करने लगे और यह गोरक्षपीठ की होली का अभिन्न अंग बन गया। 1996 से योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी अगुवाई में न केवल गोरखपुर बल्कि समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता का विशिष्ट पर्व बना दिया। अब इसकी ख्याति मथुरा वृंदावन की होली सरीख ही है और लोगों को इंतजार रहता है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली शोभा यात्रा में पथ नियोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता करते हैं और भगवान नरसिंह के रथ पर सवार होकर गोरक्षपीठाधीश्वर रंगों में सराबोर होकर बिना भेदभाव सबसे शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर में होलिकोत्सव की शुरुआत होलिका दहन या सम्मत की राख से तिलक लगाने के साथ होगी। मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ अन्य साधु संतों के साथ तुरही नागफनी मजीरा आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच होलिका दहन स्थल पर पहुंचेंगे और वहां विधि विधान से पूजन कर भस्म एकत्रित करेंगे। यह भस्म सर्वप्रथम शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ को अर्पित की जाएगी। इसके बाद योगी कमलनाथ इस विभूति से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का तिलक करेंगे। एक दूसरे को होलिका की राख का तिलक लगाने के बाद संत समाज मंदिर के मुख्य चबूतरे पर फाग गीतों का आनंद उठाएगा। मंदिर की इस परंपरा में एक विशेष संदेश निहित होता है। होलिका दहन हमें भक्त प्रहलाद और भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह के पौराणिक आख्यान से भक्ति की शक्ति का एहसास कराती है। होलिका दहन की राख से तिलक लगाने के पीछे का मंतव्य है भक्ति की शक्ति को सामाजिकता से जोड़ना। भक्ति और सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए ही गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 1996 से 2019 तक गोरखपुर में होली के दिन निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में अनवरत शामिल होते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्री होलिकोत्सव समिति महानगर की परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। उसके बाद ध्वज प्रणाम और प्रार्थना होगी। प्रांत संघ चालक सुभाष जी, गोरक्षपीठाधीश्वर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान नरसिंह की महाआरती कर शोभा यात्रा के रथ पर सवार होंगे। रंग गुलाल खेलते हुए शोभा यात्रा का प्रस्थान होगा। श्री होलिकोत्सव समिति महानगर के अध्यक्ष इंजीनियर अरुण प्रकाश मल, समिति के मंत्री मनोज जालान समेत अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्वज 20 फीट का होगा। बांसुरी की मधुर धुन के बीच ध्वज चढ़ाया और बिगुल की गूंज के साथ उतारा जाएगा। शोभा यात्रा में तुरही व नगाड़ा शामिल होंगे जिनसे अतिथियों का स्वागत होगा। भगवान नरसिंह की महाआरती होने के बाद तुरही व नगाड़ा की आवाज भी गूंजेगी। इस बार शोभा यात्रा में 5 ट्रॉलियां शामिल की जाएंगी जिन पर रंग घोल कर रखा होगा। हर ट्रॉली पर 15 से 20 स्वयंसेवक होंगे जो पिचकारियों से लोगों पर रंगों की बौछार करेंगे। शोभा यात्रा लगभग 8 किलोमीटर घूमती है। 200 किलोग्राम अबीर गुलाल उड़ा दिए जाते हैं। 2 क्विंटल गुलाब व गेंदे के फूलों की पंखुड़िया होती है जिससे भी होली खेली जाती है। शोभा यात्रा घंटा घर से निकलकर मदरसा चौक, लाल डिग्गी, मिर्जापुर, घासीकटरा, जाफरा बाजार, शरणलाल चौक, आर्य नगर, बक्सीपुर, नखास चौक, रेती चौक होते हुए घंटा घर लौट कर विसर्जित हो जाएगी। शोभा यात्रा में नशा कर शामिल होना प्रतिबंधित है। इसके अलावा नीला और काला रंग इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है।